सब्सक्राइब, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन, आई एम राना शेफ इंटरनेशनल और आज मैं बनाने लगा हूँ चिकन सैंडविच। हाउ टू मेक चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी कैसी है। उसके लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले हमें कोल्ड सला चाहिए जो चिकन सैंडविच के साथ होती है। कोल्ड सला ये एक सैलड होता है। इसके लिए हमने जो है हमारे पास ये जो बंद गोभी है, एप्पल कैबेज, इसकी ब्रीक कटिंग लेनी है हमने। इसको ब्रीक कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमने गाजर की कटिंग ब्रीक करेंगे, इसमें क्रीम और आइसिंग शुगर लगाएंगे। ठीक हो गया। इस कटिंग के बाद ऑक्साइड पे मैंने चिकन को मैंने पहले बॉयल कर लिया, उसमें मैंने ब्लैक पेपर, क्रीम, मायोनीज लगा के वो तो तैयार कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैं काट रहा हूँ, ये देखें बारीक बारीक, माशाल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है ना कटिंग। तो चिकन सैंडविच का मज़ा भी तभी आता है अगर साथ कोल्ड सला हो। कोल्ड सला का अपना मज़ा है, तो फ्रेंच फ्राइज का अपना मज़ा है साथ, लेकिन चिकन सैंडविच के साथ कोल्ड सला ज़रूरी है। तो ये देखें, इस तरह मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे। और ये माशाल्लाह सैलड जो है ये है भी बहुत मज़े का, टेस्टी है। अक्सर आप लोगों ने रेस्टोरेंट में ये खाया भी होगा, सैलड होता है तो बाद रेस्टोरेंट में ये सैलड देते हैं, बाद में नहीं भी देते ना सैंडविच के साथ, मोस्टली जो है उसमें ये सैलड नहीं देते। तो हालांकि ये सैलड होना ज़रूरी है, इसके साथ जो है खाने का मज़ा और टेस्ट भी आएगा। तो अब हमने ये देखे, इस तरह मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर ली है। ठीक हो गया। तो इस तरह, तो अगर आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते आते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ आपको सैलड मिलते हैं जो मेन्यू में लिखे होते हैं, तो उनमें से ये इसे एप्पल कैबेज सैलड जो है ये बहुत मशहूर सैलड है। तो जो कोल्ड स्लाइस की ब्रीक कटिंग होती है, अब हम कैरेट लिए, हमने कैरेट की भी हमने उसी तरह ब्रीक कटिंग करनी है जिस तरह हमने उसकी कटिंग की है। ये सैलड के लिए कटिंग ब्रीक चाहिए, ये मैंने ब्रीक ब्रीक मैं काट रहा हूँ गाजर को भी इस तरह। जब जो ब्रीक ब्रीक बन जाएगी तो फिर हम इसमें क्रीम और ये आइस की शुगर डाल के बनाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की और टेस्टी होगी और आप लोगों को यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग घर में अपने ट्राई करें, बनाकर देखें, फिर मुझे मैक्स जो है बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में लिखकर बताएं, कमेंट करें कि ये चीज़ आपको कैसी लगी और आपने तैयार की है वो कैसे तैयार हुई है। ठीक हो गया। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, रेसिपी पसंद आती है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती जाए। और आप लोगों पास जितने भी आप लोगों को ये चिकन सैंडविच वगैरह हैं, क्लब सैंडविच, जितनी उनकी वैरायटीज़ के नाम आते हैं वो बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर फिर वही रेसिपी मैं उसमें बनाकर आप लोगों के लिए पेश करूँ। तो इस तरह ये देखें, हमने ये जो गाजर की ब्रीक ब्रीक कटिंग हो रही है ऐसे खूबसूरत और प्यारी लग रही है माशाल्लाह इस तरह। तो आप लोगों ने इसी तरह करना है, इतनी इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ लेनी है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको एक बोल में डाल लेंगे ना, बोल में डालकर फिर उनमें ये चीज़ें मिक्स करके रख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बोल ले लिया, इसमें ये अब डाल लेते हैं ये ऐसे। ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एप्पल कैबेज एंड कैरेट लुकिंग सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग, वाओ ग्रेट। तो अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, क्रीम और आइसिंग शुगर से ये इसका टेस्ट जो है ज़बरदस्त हो जाएगा इस तरह। ठीक हो गया। ये देखें, अब हम इसमें डालते हैं क्रीम, क्रीम को डालने इस तरह। ये देखें,
क्रीम डालकर फिर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। ऐसे तो क्रीम को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ऐसे ये मिक्स कर रहे हैं। तो अब ये देखें मिक्स भी हो गई है और ये शक्ल भी बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही है, देखने में लुक अच्छी लग रही है, खूबसूरत हमारा ये कोल सलाम ने तैयार की है चिकन सैंडविच के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की बरकत से कितनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये ज़रूर आप घर में बनाएं। तो ये देखें इस तरह, तब हम स्लाइस के ऊपर जो है क्रीम लगाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, मायोनीज़ लगाएं क्रीम लगाएं, लेकिन रेस्टोरेंटों में बाद में ये क्रीम लगाते हैं बाद में मायोनीज़ लगाते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है। मुझे क्रीम पसंद है, मायोनीज़ में अंडे वगैरह होते हैं, क्रीम में अंडे वगैरह नहीं होते, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है दोनों में वो चीज़ लगा लें जो आपको अच्छी लगे। क्रीम का जायका अपना है और उसका अपना है, ठीक हो गया। मायोनीज़ में तो ब्लैक पेपर और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे चिकन के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी डली हुई हैं। अब हमने इस तो इस तरह स्लाइस के ऊपर से जो है ना ऐसे ये पेस्ट कर देना है, ऐसे इक्वल कर देना है, ये ऐसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे चिकन जो हमने तैयार किया हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ऐसे, ये देखिए प्रेस करने से पूरे स्लाइस के ऊपर चिकन आ चुका हुआ है, चिकन का स्लाइस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो रह गया हो। इस तरह जैसे आपने ये देखे बिल्कुल पूरा स्लाइस चिकन से भर गया है। अब हमने दूसरे स्लाइस को ऐसा ही करना है, उसके ऊपर भी हमने ये देखे चिकन को मिक्स कर देना और चारों तरफ ये स्लाइस के ऊपर चिकन आ चुका है। हम इस ब्रेड को बंद कर देंगे ऐसे, ऊपर लगा देंगे ऐसे बंद करेंगे, इस तरह बंद करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जैसे इसको बंद किया और साथ वाले स्लाइस को भी हमने ऐसे ही ऊपर से ये ऊपर से इसको बंद कर दिया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, इसको भी हम सेंटर में काट देंगे ऐसे, ये देखें सेंटर में काटेंगे तो ये देखें इसके अंदर चिकन और मसाला भी मैंने सही लगाया है, तो स्लाइस में से ये वाजे आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ऐसे लगाएंगे तो आपको वाजह सही नज़र आएगा क्लियरली। हम इसको लगाते हैं एक अच्छी सी प्लेट में। अब हमने दूसरे स्लाइस को इसी तरह काट देनी, इसकी साइडें जैसे ये जैसे उन्हें भी काटी, इसकी भी इसी तरह हमने ये साइडें काट देनी है। एक सैंडविच हम और बना रहे हैं, इसके ऊपर भी हम इसी तरह ये लगा देते हैं, हम तीन बन जाएंगे हमारे बड़े ईजी। हम इसके ऊपर भी ये जो चिकन है ये लगा देते हैं ऐसे, ताकि ये भी ये तीन सैंडविच बहुत प्यारे और मज़े के बन गए हैं। इसकी भी हम साइडें काट देते हैं ऐसे, ये देखें इस तरह। अब हम इसको सेंटर से काट देंगे, ये देखें माशाल्लाह। टमाटर के स्लाइस काट देने हैं बारीक बारीक, ये देखें खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी गार्निश से ये फिर सैंडविच जो है ये खूबसूरत भी लगेगा, मज़ा भी आएगा इसको खाने का। इस तरीके से ये देखिए हमने काट दिया है, हम इसको इस प्लेट में साइडों में लगा लेते हैं ऐसे। स्लाइस ये टमाटर जो खीरे के हमने ये स्लाइस काट कर लगा दी। अब हम इसमें सैंडविच को इस तरीके से लगाएंगे सामने तक, जो हमने मसाला लगाया है जो चिकन इसके अंदर लगाया है वो आप लोगों को वाजे नज़र आए। ये देखें ऐसे मैंने या प्लेट के अंदर मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया इस तरीके से। ये रेस्टोरेंट में ये ऐसे लगा कर देते हैं। अब मैंने ये स्लाइस इसलिए इसको खड़ा करके लगा रहा हूँ, अक्सर ये अपने बेकरी में देखा ऐसे रखा होता था कि वो आने वाले को ये मसाला नज़र आए, जबकि रेस्टोरेंट में इसको उल्टा करके लगाया होता, सीधा टेबल में लगाया होता है। तो ये देखें अब इसमें वो चिकन किस तरह प्यारा लग रहा है, मसाला जो हमने इसके अंदर लगाया है, गार्निश भी हो गई और सही खूबसूरत लग रहा है। और इसकी साइड पे हमने जो सैलड बनाया था ये देखिए हमने इसके ऊपर भी स्लाइस लगा दी है, ये टमाटर और खीरे के, और इससे इसकी और भी खूबसूरती बढ़ गई है। और अब हम इसके साइड पे लगाएंगे कोल्ड सला पत्ता लगा के, जो हमने कोल्ड सैलड तैयार किया है। अब हम कोल्ड सला इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, ये देखें
और देखें अब माशाल्लाह देखें इसकी शक्ल के इसके तो कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बनी है। आप लोग भी घर में इसी रेसिपी के साथ बनाएं। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज में बताइए, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह लुकिंग सो